हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज है पोर्ट रॉकर्स 205 का अनबॉक्सिंग। और इसका जो डिजाइन है ना, कमाल का डिजाइन है। डिजाइन को देखते हुए ही मैंने इसे ऑर्डर किया और अभी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और साथ ही में मैं इसमें लो लेटेंसी भी करके देखूंगा। वैसे इसमें लो लेटेंसी का फीचर्स नहीं है, लेकिन फिर भी करके देखेंगे कि लो लेटेंसी है या नहीं। वाटर टेस्ट भी होगा, देखेंगे कि वाटर टेस्ट सर्वाइव कर पाता है या नहीं ये प्रोडक्ट। साउंड का परफॉर्मेंस तो मैं आपको बताऊंगा ही, और साथ ही में इसका माइक का भी बताऊंगा कि कैसा है इसका माइक क्लैरिटी। सो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे आज के रिव्यू के बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो इसका अमेजॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये है बोट का बॉक्स और इसके साइड में आपको थोड़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है। गेम इज और इन लोग का टैगलाइन है, जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है। 205 का यहाँ ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साइड में ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और इसके दूसरे साइड आपको इसके सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और इसके नीचे के साइड इन्होंने अपने ब्रांड्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि इन लोग का एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर और इसका प्रिंटेड प्राइस। इसका प्रिंटेड प्राइस आप देख सकते हो 2490 रुपीस, लेकिन मुझे ही मिला अमेजोन पे सिर्फ 999 रुपीस का। और इसके पीछे के साइड आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जो भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी जल्दी जल्दी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर हमको और क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको एक टाइप सी का डाटा केबल देखने को मिल रहा है। अभी यूजुअली हर एक ब्रांड टाइप सी ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके फोन के चार्जर से ही चार्ज हो सके, क्योंकि अभी के सारे फोन्स में आपको टाइप सी ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको कुछ एयर टिप्स देखने को मिल रहा है, और ये है इनका वारंटी कार्ड, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर आपको बोट का बुकलेट देखने को मिल रहा है, जिसमें इनके ब्रांड एम्बेसिडर का फोटोज देखने को मिल जाएगा। और ये है इसका यूजुअल मैनुअल, जिसे इसे यूज करने के सारे पैथर लिखे गए हैं। इसके बटन का फंक्शन सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी करते हैं इन सबको साइड और निकालते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट को, बोट का नेक बैंड। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है देखने में, और इसका जो कलर है ना, इसका कलर ही सबसे ज्यादा सही लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और इसका जो नेक बैंड का जो ये डिजाइन है ना, ये डिजाइन सबसे ज्यादा सही लगता है देखने में। और यहाँ पर आपको इसके चार बटन देखने को मिल रहा है। जो पहला वाला है ये EQ मोड है, जिससे आप बेस को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कैसा है इसका बेस। और आप इसके बटन्स को देख सकते हो, इसके जो बटन्स का कंट्रोल है ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। वो टिक टैक टिक टॉक वाला आवाज नहीं आता, काफी ज्यादा सॉफ्ट सा आवाज आता है। आप देख ही सकते हो, जैसे मैं आपको प्रेस करके दिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस नहीं है, मस्त है मतलब। और ये बटन्स काफी ज्यादा कूल दिखता है, लुक में काफी बेहतरीन है ये नेक बैंड। और एक प्लस का बटन्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि वॉल्यूम अप नेक्स्ट सॉन्ग के लिए है, माइनस वाला जो है वॉल्यूम डाउन और प्रीवियस सॉन्ग के लिए है। अगर आप सिंगल बार प्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर आप दबा के रखोगे तो फिर प्रीवियस सॉन्ग में चला जाएगा। एक और मल्टी फंक्शन बटन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जब ये आपके फोन के साथ कनेक्टेड है तो आप थोड़ी देर तक इसे प्रेस करोगे तो गूगल असिस्ट ऑन हो जाएगा। अगर आपको कॉल पिक करना है तो आप एक बार प्रेस करो, अगर आपको कॉल पिक नहीं करना तो आप थोड़ी देर तक प्रेस करके रखो, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप इसके लुक को एंजॉय करो, तब तक मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बताना चाहूंगा। सो इसमें आपको 5.0 का ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है, 10mm का डाइवर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसका बैटरी कैपेसिटी है 200mAh। इसमें आपको स्नैप चार्जिंग का फीचर देखने को मिल रहा है, इसके वजह से 10 मिनट चार्ज करके ये आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, जो कि काफी ज्यादा सही लगा मुझे। और साथ ही में ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिंग का भी फीचर्स आपको इसी में देखने को मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस रेंज में काफी सही है। और IPX5 का वाटरप्रूफ भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसपे हम लोग थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे। और अप्रोक्स 40 मिनट्स में ये आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा 2 एम्पीयर 5 वोल्ट के चार्जर से, अगर आप चार्ज करोगे तो। और आप देख सकते हो नेक बैंड का वेट है अप्रोक्स 28 ग्राम, और इसके वर्ड्स का वेट है ओनली 6 ग्राम। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस पे करेंगे वाटर टेस्ट। आप देख सकते हो कि ये अभी भी मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है, और अभी मैं इसमें सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि सॉन्ग अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है अभी भी। और अभी हम लोग इस पे करेंगे वाटर टेस्ट। आप देख सकते हो कि बोट पूरी तरह से डूब चुका है, इसका हर एक पार्ट डूब चुका है। और अभी हम लोग इसे निकालते हैं, निकाल के देखेंगे कि वाटर टेस्ट ये सर्वाइव कर पाता है कि नहीं, IPX5 सही में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, अभी निकालते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने सॉन्ग अभी भी बंद नहीं किया, सॉन्ग अभी भी चल रहा है, और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, आप सुन सकते हो।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे हेडफोन कनेक्ट हो चुका है माइक के साथ, और फोन के साथ भी कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। और अभी हम लोग इस पे करेंगे लो लेटेंसी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसका लो लेटेंसी कैसा है। आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको कितना डिले लगा। वैसे मुझे अप्रॉक्स 2 सेकंड्स का डिले यहाँ पे देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो बोर्ड से रिकॉर्डिंग हो रहा है। पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, आप देख ही सकते हो, बोर्ड अभी कनेक्टेड है। और जब मैं आपको ये फोटेज सुनाऊंगा तो एकदम रो फोटेज सुनाऊंगा, डायरेक्ट फ़ोन से उठा के अपने वॉइस के नीचे डाल दूंगा, अपने वीडियो में डाल दूंगा। वैसे मेरे सामने अभी एक टेबल फ़ैन चल रहा है, आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ रहे हैं। और अभी आपको पता चलेगा कि टेबल फ़ैन का जो नॉइस है ये रिड्यूस कर पाता है या नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका माइक का जो वो है, आवाज़ पकड़ने का जो क्षमता है, ताकत काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूं। और आप देख सकते हो कि इसका लुक कैसा लग रहा है कानों में पहनने से। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था इसका जो साउंड को पकड़ने का जो क्षमता है, ताकत है, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत दूर से ये आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली कैच कर लेता है। लेकिन इसी के साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये नॉइस को भी पकड़ लेता है। अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो तो आपका आवाज़ भी खींचेगा और आसपास के गाड़ियों का भी आवाज़ खींचेगा। लेकिन घर में यूज़ करने के लिए बेस्ट है, क्या बताऊँ मैं। अगर आप धीरे धीरे भी बात करोगे ना तब भी इसका माइक आवाज़ को पकड़ लेता है, काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और अगर इसके साउंड के बारे में बात करूँ, माइंड ब्लोइंग साउंड, कमाल का HD साउंड मैं इसे बोल सकता हूँ, मतलब कमाल का साउंड दे रहा है। इसके वोकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, डायलॉग्स बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। और इसका जो बेस है, इसमें आपको EQ का मोड देखने को मिल रहा है। और EQ में अगर आप बेस ऑन कर दोगे ना, एकदम बूम पंची बेस ये आपके कानों में मारता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं जो कि कानों में मारते हैं, मतलब कानों में लगता है, उसका बेस चुभता है कानों में। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, सॉफ्ट सबवूफर जैसा, जैसा कि आपने DJ का सुना होगा, एकदम DJ जैसा बेस आता है, मतलब एक सॉफ्ट सा बेस मारता है, सुनने में, सॉन्ग सुनने में बहुत ज़्यादा मजा आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये लेना ही चाहिए अगर आप म्यूज़िक के दीवाने हो। और वोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, तो मस्त है, आप इसे बिंदास खरीद सकते हो। आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहोगे इस नेक बैंड को लेकर। और इसका जो ट्रिबलिंग है, ट्रिबल भी बहुत ज़्यादा मस्त ट्रिबल है इसमें। मतलब मैं आपको बोलूं कि इसमें आपको HD साउंड सुनने को मिलेगा, चाहे आपके फ़ोन में डॉल्बी हो या ना हो, तब भी ये आपको HD साउंड क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। बहुत ज़्यादा मस्त नेक बैंड है ये। इसके 100% में भी आप इसके वॉल्यूम को सुन सकते हो, साउंड क्लैरिटी बहुत ही कमाल का है। और फ्रेंड्स, एक और बात, नेक बैंड के वॉल्यूम का कंट्रोल और फोन के वॉल्यूम का कंट्रोल आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल रहा है, नेक बैंड का अलग है, फोन का अलग है। नॉर्मली सब में क्या होता है, अगर आप नेक बैंड के वॉल्यूम को डाउन करोगे तो फोन का भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो कनेक्टिविटी भी काफी सही है, कहीं पर भी मुझे लैग महसूस नहीं हुआ, मैं इसे काफी देर तक यूज किया। और अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो ये मुझे अप्रॉक्स 16 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है इन 80% वॉल्यूम, जो कि काफी ज्यादा सही लगा मुझे इसमें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लाइक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।